हाँ जी बेटे, देखिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए होता क्या है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा। ये वाला टॉपिक बहुत आसान है और आपने एडमिशन में भी किया हुआ है। मान लीजिए कि तीन पार्टनर है, ए बी और सी। इन तीनों में सी ये डिसाइड करता है जी वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, ये रिटायर कर रहे हैं। इन्होंने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सी के रिटायरमेंट तक इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और वो आपस में बांट भी लिया। लेकिन होता क्या है बेटे जी, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा डिवाइड नहीं किया जाता, कुछ बिजनेस में रख लिया जाता है। जो प्रॉफिट बिजनेस में रख लिया जाता है उस प्रॉफिट को नाम दे दिया जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जमा किया हुआ प्रॉफिट। और आप इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जानते हो रिजर्व्स के नाम से, रिजर्व्स के नाम से आप इन्हें जानते हो। रिजर्व और कुछ नहीं जी, अगर सिंपल भाषा में आपको बताया जाए तो आप इसे ऐसा समझिए कि ये और कुछ नहीं है जी, बस एक गुल्लक है जो हमने बनाई हुई है। ये एक गुल्लक है जी जो बना रखी है। इस गुल्लक में ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने पैसा जमा किया और मान लीजिए कि इन्होंने इसमें 90,000 रुपीज जमा कर दिए इस गुल्लक में, ठीक है जी। अब जब सी रिटायर होगा तो आपको क्या लगता है, सी इस 90,000 में जो इसने अपना पैसा जमा किया हुआ है वो उस पैसे को मांगेगा या नहीं मांगेगा? ऑफ कोर्स वो मांगेगा। देखिए जब भी सी रिटायर करेगा तो वो ये कहेगा कि भाई साहब इस रिजर्व में, मतलब इस गुल्लक में मेरा जितना भी हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। अब क्योंकि गुल्लक हमें फोड़नी ही पड़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये गुल्लक पूरी खत्म कर देते हैं और तीनों पार्टनर्स में इनका हिस्सा डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रिटायरमेंट होगा तो उस वक्त पे जितना भी पैसा जमा कर रखा होगा जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर इसे एक और नाम से रिजर्व्स के नाम से आप बुलाते हैं, कई बार इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया है, तो इस प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया जाता है जी तीनों पार्टनर। बस यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है जी। इसी तरह से जैसे ये प्रॉफिट्स है तो फर्म के पास कुछ ऐसे लॉस होंगे जो अभी तक बांटे नहीं गए, तो जब सी रिटायर कर रहा होगा तो इसे हम सभी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि देखिए गुल्लक में जितना भी पैसा है क्योंकि वो तीनों का है तो तीनों में ही बटेगा, ऐसा नहीं है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसा नहीं देंगे सिर्फ रिमेनिंग को देंगे, या फिर रिमेनिंग को नहीं देंगे सिर्फ रिटायरिंग को देंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी रिटायरमेंट होता है उस वक्त में जितना भी पैसा रिजर्व्स में है या फिर हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस में है वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होता है। एंड क्योंकि वो पुरानी फर्म का पैसा था और पुराने पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा पुरानी रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। बस जी ये करना होता है हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। इस बात को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बस उसके बाद समझिए कि ये वाला टॉपिक हो जाएगा फिनिश। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान। लिखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। आर डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स
in old ratio. On retirement, of a partner. जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो हम सारा का सारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस डिवाइड कर देंगे किसके बीच में थी, सभी पार्टनर्स के बीच में। ध्यान दीजिएगा यहां शब्द क्या लिखा हुआ है, ऑल, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि सभी पार्टनर्स में डिवाइड होना होता है और किस रेशियो में डिवाइड होना होता है, ओल्ड रेशियो। ये होता है जी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट और एक्युमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। डिवाइड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो अब जरा देखिएगा जर्नल एंट्री क्या होती है। लिखिए जर्नल एंट्री, फॉर डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इस एंट्री को याद करने के लिए आपको मैं एक नाम दे रहा हूं इस एंट्री का। इस एंट्री का नाम है जी शूट एट साइट एंट्री। देखते ही खत्म कर देना होता है इन चीजों को। ये आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे और आपको देखते ही इन्हें शूट कर देना है, यानी कि फिनिश कर देना है। शूट करने का मतलब अब ये मत समझ लीजिएगा कि बंदूक में गोली डाल के मारना है, जर्नल एंट्री के थ्रू मारना चाहिए इसे, अकाउंट्स में मौत दे दिए। अब देखिए जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइड करने की होती है। पहली एंट्री है जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। देखो बेटे ऐसा होता है जी, प्रॉफिट्स जो होते हैं इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर मुझे प्रॉफिट्स को फिनिश करना है तो सिंपल सी बात है जी, उसे खत्म करने के लिए मुझे इसके बैलेंस का रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब भी आप किसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को उसके नाम से ही खत्म किया जाए। देखिए असल में होता क्या है कि हम प्रॉफिट को कई नामों से जमा कर लेते हैं, मतलब हम गुल्लक को कई नाम दे देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक मूवी का सीन है जिसमें सलमान खान साहब गुल्लक जमा करते हैं और वो गुल्लकों पे नाम रख देते हैं कि ये गुल्लक भगवान के लिए है, ये माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए। तो है तो गुल्लक लेकिन उनका नाम रख दिया गया। तो आप जब किसी गुल्लक को फोड़ेंगे तो अकाउंट्स में आप उसे उसी के नाम से लिखेंगे। मतलब अगर आप मान लीजिए आपने गुल्लक फोड़ी थी जो भगवान के लिए, तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जगह क्या डेबिट करेंगे, भगवान के नाम वाली गुल्लक अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, इस तरीके से। सेम वही ट्रीटमेंट है जो आप एडमिशन में करते थे, ये आपके लिए कोई नई बात वैसे नहीं है। इसके लिए नरेशन लिखिएगा बी प्रॉफिट्स डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। यहां मैंने एक स्टार भी बनाया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, जिसमें मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा जिन आइटम्स को आपको देखते ही खत्म करना है। ये वो आइटम्स होंगे जो जैसे ही आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये फिनिश करने हैं, एंड करने हैं। हालांकि ये वाली लिस्ट मैं आपको एडमिशन चैप्टर में भी बता चुका हूं, सेम वही लिस्ट यहां पे भी बनेगी। चलिए अब देखिए जरा पॉइंट नंबर बी।
जर्नल एंट्री अब हम कर रहे हैं जी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। देखो बेटे, अगर आप इसे समझ के कर रहे हो तो आई गारंटी कि आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस की जर्नल एंट्री खुद से बना पाएंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्योंकि लॉस है तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और अगर किसी भी चीज का बैलेंस डेबिट है और उसे खत्म करना है तो सिंपल सी बात है जी, मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो लिखिए जरा टू एक्यूमुलेटेड लॉस। ये भी बाय नेम आएगा, अकाउंट। बाय नेम का मतलब वही है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के भी हमने कई नाम रखे होते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट चैप्टर में जो बताए थे वो याद दिला देता हूँ, गुडविल। परचेज गुडविल इज अ लॉस। तो आप गुडविल को यहाँ इस चैप्टर में भी कर चुके हैं जी। परचेज गुडविल को क्या करना होता है? शूट एट साइट, राइट ऑफ, खत्म करना होता है। तो आप गुडविल को क्रेडिट करते हैं और बाकी सभी पार्टनर को डेबिट कर देते थे। बस सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी रिपीट होगा। आप अपने एक्यूमुलेटेड लॉस को यहाँ क्रेडिट करेंगे और पार्टनर के अकाउंट को कर देंगे जी डेबिट। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। लो जी, ये हो गया एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है जी, ये भी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डिविजन, यहां लिख दीजिए ओल्ड रेशियो और यहां पे भी आप लिख दीजिएगा ओल्ड रेशियो। डिविजन आप हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। और उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो पुराने फर्म के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं तो पुरानी रेशियो में ही बढ़ते हैं। नरेशन इसके लिए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे प्रॉफिट्स के लिए थी, बस यहाँ पे लॉस लिख दिया जाएगा, बीइंग लॉस डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। लो जी, ये हो गया खत्म। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे भी स्टार बना लीजिए। इसमें बना लीजिएगा दो स्टार। पहला जो स्टार है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए और ये दो स्टार है एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। अब चलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जो स्टार बनाया हुआ है उसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या क्या चीजें आएंगी। आइए बेटे जी, अब इस सितारे को जमीन पर उतारते। पॉइंट नंबर थ्री लिखेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लिस्ट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की लिस्ट है। ये वो आइटम्स हैं जो आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ये हमेशा आपको दिखेंगे जी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। और आपको क्या करना है, इन्हें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। क्योंकि जर्नल एंट्री इसके लिए क्या बनती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट हो जाते हैं और सारे पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से आइटम्स होते हैं देखिएगा, रिजर्व, सेकंड जनरल रिजर्व, थर्ड रिजर्व फंड, फोर्थ रिजर्व एंड सरप्लस, फिफ्थ कंटिंजेंसी रिजर्व, सिक्स्थ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
सेवन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, ये वो सात आइटम हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माने जाएंगे। आप जैसे ही इन्हें बैलेंस शीट में देखते हैं, आप तुरंत इन्हें शूट एट साइट करेंगे, इन्हें पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। देखिए यहां मैंने आपको जितने भी रिजर्व लिखवाए, ये सात के सात रिजर्व्स, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मतलब आप अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आप उसमें ये पाएंगे कि आपको इसके बाहर से कोई रिजर्व नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन में एनकाउंटर हुआ कि इसके अलावा कोई और रिजर्व है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि इसके बाहर कोई और रिजर्व नहीं है। इन सात रिजर्व्स में पहले पांच रिजर्व तो बेटे बहुत शरीफ है, ये आपको कभी भी परेशान नहीं करते। लेकिन ये जो दो रिजर्व देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन पे बकायदा कई बार एडजस्टमेंट आ जाती है। अब इन पे वो एडजस्टमेंट क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है एडमिशन में, जो मैंने आपको कराया था, बिल्कुल सिमिलर यहां पर है। इनफैक्ट मैं उस क्लास में इस बात को रिपीट भी कर रहा हूं कि आप जो चीज यहां पे पढ़ रहे हैं एज इट इज ही आप पढ़ेंगे कहां पर, रिटायरमेंट में, इसके अलावा चेंज इन पीएसआर में। तो देखिए मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट को, सेम चीज को रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा। आप इन दोनों को समझने के लिए, इन केस अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो एज इट इज जी बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल सेम तरीके से, बस एक फर्क होगा, वहां पे डिवीजन हो रहा था इनका ओल्ड पार्टनर से, यहां पे डिवीजन होगा ऑल पार्टनर, ओल्ड नहीं ऑल, सभी पार्टनर में। वहां दो में बंटवारा होता था रिजर्व का, यहां पे तीन में बंटवारा होगा, बस फर्क इतना है और कोई फर्क नहीं है जी। बाकी सारे रिजर्व आपके बिल्कुल, आप ऐसा समझिए, बिना एडजस्टमेंट के आएंगे डायरेक्ट, जो सेम जर्नल एंट्री होगी जो मैंने अभी अभी आपको बताई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से एक बार एंट्री रिपीट कर देता हूं। जैसे देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए मैंने आपको एंट्री क्या बताई कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट करते हैं बाय नेम। अब मान लीजिए कि आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे जी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, और डिवाइड कर देंगे। सर अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिजर्व आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों को अलग अलग डेबिट करिए और तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए, और उन जो दोनों का टोटल आएगा वो ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए इनमें। अगर हमारे पास तीन रिजर्व आ गए, मान लीजिए रिजर्व आ गया, रिजर्व फंड आ गया, जनरल रिजर्व, तीनों आ गए, तो तीनों को डेबिट करेंगे और एबीसी में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। सेम वही तरीका है, कोई इसमें आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या क्या आता है। तो बेटे जी ये भी एग्जैक्टली वही चीजें आती है जो मैंने आपको एडमिशन में बताई थी। लिखिए जरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिस्ट, एक बार फिर से आपको ये वाली लिस्ट बता देते हैं। पहले तो इतना समझ लीजिए कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में देखे जाएंगे। कहने का मतलब मैं अब जो आइटम्स अगर आपको लिखवा रहा हूं और वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख जाए तो उन्हें शूट एट साइट कर दीजिएगा, और शूट एट साइट करने के लिए आपको उन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और ये ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। और इसमें ज्यादा आइटम्स नहीं है, सिर्फ तीन चीजें हैं जिन्हें हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो गुडविल, अगर गुडविल बैलेंस शीट में आई है
तो ये आपको समझ आना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही गुडविल हो सकती है, वो है परचेज गुडविल। दूसरा आइटम है एडवर्टिजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, एडवर्टिजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये दूसरा आइटम है। तीसरा आइटम इसमें आएगा जो लॉस होगा P&L डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है। एक आइटम में यहां लिखना भूल गया, नाइन्थ आइटम ये लिख लीजिए यहां पे, वो है जी P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपके लिए प्रॉफिट होता है। हो सकता है कि आपको P&L क्रेडिट बैलेंस गिवन हो सकता है कि P&L डेबिट बैलेंस गिवन हो, दोनों में से कोई भी बैलेंस गिवन हो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है और अगर डेबिट है तो वो क्या है जी लॉस है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन ने सिर्फ P&L लिख दिया तो अपन क्या माने उसे कि वो क्या है, तो ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, अगर सिर्फ P&L लिखा है तो आपको उसे क्या मानना है, प्रॉफिट। ठीक है जी, इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, कई बच्चे क्या करते हैं जी प्रोविडेंट फंड को भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लेते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, प्रोविडेंट फंड कभी भी प्रॉफिट्स नहीं होते, प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। प्रोविडेंट फंड असल में होता क्या है, ये इम्प्लॉयज को हमें पैसा देना होता है रिटायरमेंट के समय। बेटे किसको देना होता है, इम्प्लॉयज को। इम्प्लॉयज को अगर पैसा देना है तो यू कैन नॉट डिवाइड दिस मनी अमंग पार्टनर्स, क्योंकि वो पार्टनर्स को बिलोंग कभी करता ही नहीं था। तो प्रोविडेंट फंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बट ए लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड को कभी भी गलती मत करिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मानने का, ये हमेशा आपके लिए लाइबिलिटी होता है। तो ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं होता, पार्टनर्स के बीच में प्रोविडेंट फंड कभी भी डिवाइड नहीं होता। देखिए इतनी बार रिपीट किया गया है लेकिन फिर भी कई बच्चे गलती करेंगे, देख लीजिएगा। चलिए बेटे जी, अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन से वो करा देता हूं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन से। अब क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन से तो फिर क्वेश्चंस की इसमें कमी भी है, तो कमी देखते हुए और इसकी देखते हुए कि ये कितना आसान टॉपिक है, मैंने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, इसमें मैं आपको कराने वाला हूं जी जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटे, चलो देखिए जरा, जर्नल एंट्रीज जो है हम करेंगे इलस्ट्रेशन से, क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आप भी अपनी अपनी बुक्स में ये वाला पेज ओपन कर लीजिए और यहीं से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड पेज नंबर इज 5.20। आप देख रहे हैं जी टॉपिक इतना आसान है कि मैं क्वेश्चंस नहीं, इसमें डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस पिक कर रहा हूं, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है जी, मैं आपको यहां लिखवाऊंगा, आप उससे अच्छा है कि वो क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 27 देखिएगा जरा ध्यान से। कनु, मनु और आकांक्षा तीन पार्टनर है, इनके बीच में रेशो 20%, 30% और 50% है। इससे कभी भी तकलीफ मत मानिएगा, 20% को 2 लिख दीजिए, इज टू 3:5, लो जी ये हो गया सेटल। रेशियो इसका मतलब क्या है, 2:3:5। कनु डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, कनु रिटायरमेंट ले रही है जी, एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु, टू मनु गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। कहते हैं जी कनु ने ये डिसाइड करा कि वो रिटायर कर जाएगी। ठीक है जी, इसके लिए गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। अब गुडविल का वैल्यूएशन मैंने आपको सिखाया हुआ है,
अगर मान लीजिए कि गुडविल को आप वैल्यू कर रहे हैं 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसका मतलब ये है आपका जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.5 यानी कि 2.5 से। ठीक है जी, अब सारा खेल किस चीज का हो गया? एवरेज प्रॉफिट निकालने का। और एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है जी किस तरीके से आते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट्स को टोटल करिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर दीजिए। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट बताए हुए 50,000, 70,000 और 60,000, अगर आप इसका टोटल करें तो 1,80,000 बनता है। 3 से अगर उसे डिवाइड करते तो 60,000 बनता है। और 60,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 2.5 से तो ये बन जाता है जी 1,50,000 रुपए। ये आ गई है जी पूरे फर्म की गुडविल। देखिए जरा गुडविल पूरे फर्म की कितनी आ गई? 1,50,000 रुपए। अब इसमें 1,50,000 में आप कनु का शेयर देख लीजिए। कनु जो रिटायर कर रही है उसका शेयर है 2/10, तो इसका 2/10 कर दीजिए जी, इसकी गुडविल पता चल जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए इसका शेयर ऑफ गुडविल है। और क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए बस एक ही एंट्री है कि रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाए और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाए। अच्छा जी चलो, यहां तक तो हो गया गुडविल का पॉइंट, इस पॉइंट तक ठीक है। इसके लिए हम एंट्री भी बना देते हैं। चलिए एंट्री अभी बना देंगे, पहले रेशो देख लेते हैं उसमें कुछ चेंज हो या ना हो। आगे देखिए क्या बताया हुआ है। रिजर्व फंड बैलेंस शीट में आ रहे हैं 30,000 रुपए। रिजर्व फंड हमारे लिए क्या होते हैं? प्रॉफिट शूट एट साइट करना है बेटे, कुछ सोचना ही नहीं है, कर दो इसका शूट एट साइट। एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कनु टू मनु टू आकांक्षा। देख लो एंट्री, रिजर्व फंड डेबिट टू कनु टू मनु टू आकांक्षा। रिजर्व फंड 30,000 से डेबिट किया, खत्म हो गया बेटा, गोली मार दी इसे। और इसे आपने डिवाइड कर देना है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, विच इज 2:3:5। ये डिवाइड हो गया, खत्म ये थी। आगे पढ़िएगा, एक एंट्री तो हमने निपटा दी, एक गुडविल की रहती है थी बस। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव एडजस्टमेंट्स ऑन तनुज रिटायरमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर व्हेन हर कैपिटल बैलेंस इन बैलेंस शीट वाज 1 लाख बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट। देखिए ये तो कैपिटल अकाउंट हम अभी इसमें बनाएंगे, हम सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे। अगर आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट मांग लिया जाए तो आप मत बनाइएगा, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है जी। तो बेटे रिजर्व फंड की एंट्री तो हो गई, अब गुडविल की क्या एंट्री करी जाए? तो देखिए गुडविल की एंट्री अब क्या होगी, आप एंट्री बनाएंगे जी रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि आप डेबिट कैसे करने वाले हैं? रिमेनिंग में एक बात का जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा। कनु डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। इस वर्ड को जरा समझिएगा, इसकी लैंग्वेज समझिएगा। सोल्ड हर शेयर टू मनु, उसने अपना सारा का सारा शेयर मनु को बेच दिया। बेचने का मतलब यह है कि सारा का सारा कंपनसेशन मनु देगा। तो देखिए अगर कनु जा रहा है और सारा कंपनसेशन मनु दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि सारा का सारा गेन किसने किया शेयर? सिर्फ और सिर्फ मनु ने, क्योंकि मनु के ही हिस्से में एंटायर शेयर एक ही पार्टनर को मिला है। तो जो पार्टनर गेन करता बस वही डेबिट होगा, यानी कि हाँ जी देखिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है सारा शेयर तो वही डेबिट होगा, यानी कि मनु डेबिट हो जाएगा और कनु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री बनेगी जी गुडविल की, देख लीजिए ये रही एंट्री आपके सामने, मनु डेबिट टू कनूज कैपिटल अकाउंट। बस क्वेश्चन हो गया फिनिश, कैपिटल अकाउंट अभी आपको इसमें बनाना नहीं है। चलिए अब 28 इलस्ट्रेशन पे आ जाइए। ABC 3 पार्टनर है और बताया गया है कि इनके बीच में रेशियो है 2:3:4।
31 मार्च 2019 को ए रिटायर कर रहा है और बी और सी ने ये डिसाइड किया कि उनके बीच में फ्यूचर रेशियो 2:2 बन रहेगी, ठीक है जी, ये इनकी न्यू रेशियो है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन देयर बुक्स ऑन दिस डेट, कहते हैं जी ये सारे बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे इनकी बुक्स। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आ रहा था 72,000, एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसने जानबूझ के यहां डाल रखा है ताकि कुछ ऐसे नलायक बच्चे जो यहां से भटक जाएं, कंफ्यूज हो जाएं और गलती कर बैठे। आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी और ये कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है जी, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसी चीज है जिसपे क्लेम आ सकता है, कहने का मतलब ये इस पे एक एडजस्टमेंट ये आ सकती है कि इस पे कुछ क्लेम अराइज हो जाए, वो इस क्वेश्चन में अराइज होगा। चलिए अब देखते हैं क्या बताएंगे। कहते हैं जी इट इज एग्रीड दैट, ये सारी बातें एग्री हुई, वर्कमैन कंपनसेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड, अब हमें WCR की जरूरत नहीं है। WCR की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये है कि हमने WCR को खत्म कर देना है, तो अगर वो ये लाइन ना भी लिखता तो भी हमें खत्म करना था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वाली लाइन लिखता है। भाई एक सिंपल सी बात है, WCR होता क्या है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ये हालांकि इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हम उस यहां से पैसा दिया जा सके, लेकिन अगर किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं होता है तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड हो जाता है। तो वो कहता भाई साहब किसी वर्कर का एक्सीडेंट दूर दूर तक नहीं दिखता कि हुआ है, नहीं हुआ तो इसका मतलब कि किसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के बीच में। और एक और बात कहता है, कह रहे जी जनरल रिजर्व का 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। बेटे बहुत आसान है, ये नई नई लाइनें इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि उसे भी पता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है, तो अब मुश्किल कैसे बनाऊं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो करूं बच्चे को। तो अब ध्यान से देखिएगा हमें एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो हमें छेड़ना भी नहीं है। अब बच गए जी पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, WCR और जनरल रिजर्व। WCR और जनरल रिजर्व ये दोनों प्रॉफिट है, इन दोनों को एक साथ देख लेंगे। पी एंड एल लेकिन एक लॉस है तो इसे हम प्रॉफिट्स के साथ एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की एंट्री टोटली डिफरेंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, जबकि WCR और जनरल रिजर्व क्योंकि प्रॉफिट है तो इनमें आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहले पी एंड एल को कर लिया जाए, पी एंड एल का बेटे डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट कर दो, ABC को डेबिट कर दो, ये बन गई एंट्री। देख लो जरा ABC का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 16,000, 24,000, 32,000, ये ओल्ड रेशियो में हमने इस 72,000 को उठा के डिवाइड कर दिया, इट वाज ओल्ड रेशियो 2:3:4। लो जी पी एंड एल लिपट गया। अब आ जाइए WCR पे। WCR के बारे में कहते हैं जी इसे हमें खत्म करना है, खत्म कर दो जी WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, बस जी ये हो गया खत्म, 45,000 से ये डेबिट हो गया, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 2:3:4 में तो 10,000, 15,000 और 20,000, लो जी ये डिवाइड भी हो गया। अब आ जाइए जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व हमें बताया हुआ है 1,20,000 रुपए, लेकिन इसके बारे में वो कहते हैं जी इसका 25% पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दीजिएगा। तो मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 25% यानी कि 30,000 रुपए हमें पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करने, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने। तो एंट्री देखिए अब क्या बनेगी। जनरल रिजर्व तो पूरा डेबिट होगा 1,20,000 से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 चले जाएंगे, बच गए 90,000। 90,000 आप सारा का सारा 90,000 डिवाइड करेंगे ABC में ओल्ड रेशियो में 2:3:4 में, तो A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट और C's कैपिटल अकाउंट इस तरीके से आएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए। यस सर। देखिए जी, अब कई बच्चों का एक कंफ्यूजन रह सकता है कि सर WCR और जनरल रिजर्व ये तो प्रॉफिट है, तो अपन दो एंट्रीज क्यों बना रहे हैं इसके लिए, एक ही एंट्री ना बना दे। बना दो बेटे, तो जानते हो एंट्री क्या बनेगी, WCR डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहले इसमें से 30,000 ट्रांसफर कर देना, इसमें रह गए 90,000 प्लस 45,000, 1,35,000 को फिर ABC में डिवाइड कर दो, यू कैन पास सिंगल जर्नल एंट्री ऑल्सो। ठीक है जी, आप इसके लिए एक सिंगल एंट्री भी बना सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है फिनिश। अब मेरी बात सुनिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है जी, दो इसमें इलस्ट्रेशंस और है। ठीक है, बिल्कुल आसान, वही सेम तरीका जैसे कि पहले होता था, बस इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, इलस्ट्रेशन 30 मत करिएगा क्योंकि ये एक अलग तरीके से की गई है। इलस्ट्रेशन 29 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर बेस्ड है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही सारी चीजें अलग से एक वीडियो में बताई हुई है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां नहीं पिक कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन 30 क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री मांगी गई है। ये जो सिंगल एडजस्टिंग एंट्री है, ये वाला टॉपिक हमारा चेंज इन PSR में कवर होगा, यहां पे तो चेंज इन PSR के चैप्टर से ये वाला टॉपिक पिक करा गया है, तो ये हमें अभी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है जी, इलस्ट्रेशन 29 ये आपको घर से करनी है, यू कैन डू दिस बाय रीडिंग, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारे आप वो रीडिंग नहीं राइटिंग में करेंगे। और अब आप जल्दी से अपना अपना होमवर्क लिख लीजिए, आपका होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31, आप सभी जिस तरह से मुझे व्हाट्सएप पे सारा होमवर्क सेंड करते रहे, अभी भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, आप इसे कर लीजिएगा। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आने के चांसेस तो कम है, लेकिन अगला वाला जो हम 8 मार्क्स टॉपिक करने वाले, 8 मार्क्स क्वेश्चन का टॉपिक जो कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जरूर आपका ये यूज होगा, तो इसे प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। बस बेटे जी, आज की क्लास यहीं तक थी, आप इससे इस काम को पूरा कर लीजिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज रिमेम्बर कि आप होमवर्क हो सके तो आज नहीं तो फिर कल तक आप मुझे जरूर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।